नवाज शरीफ को एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के जो रेफरेंस केस था उससे बरी कर दिया गया है और एहतसाब अदालत ने जो उनको सज़ा का फ़ैसला सुनाया था उसे कल अदम करार दे दिया गया है। असल बात यह है कि ये चाहे अदालत जो भी फैसला करती, लोगों ने पहले से ये फैसला कर लिया था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी जो करीबी फैमिली, वो सब के सब जो हैं वो चोर हैं, डाकू हैं और वो करप्ट हैं। ये फैसला उन्होंने कर लिया था और ये फैसला अवामी अदालत में किया क्योंकि लोगों को अदालतों पे एतबार ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। और बात सही है कि ऐसे निज़ाम में जो कि इन लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, वहाँ पे अदालतों पे ट्रस्ट हो भी कैसे सकता है। इमरान खान कहते थे कि अदालती निज़ाम ठीक है तो फिर सब ठीक हो जाएगा, इंसाफ मिलेगा सबको। लेकिन बात यह है कि हम ये कहते हैं कि जब तक इन अरब खरबपति लोगों का कंट्रोल है इस निज़ाम पर, अदालती निज़ाम सही हो ही नहीं सकता, किसी को इंसाफ मिल ही नहीं सकता। और अदालती निज़ाम ठीक करने के लिए एक अवामी पार्टी का हुकूमत में होना, इक्तदार में होना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त अवामी पार्टी इस मुल्क में सिर्फ़ एक है और वो है बराबरी पार्टी पाकिस्तान। तो अगर आप इस मुल्क में न सिर्फ इंसाफ चाहते हैं बल्कि इस मुल्क में लोगों को इज़्ज़त मिले, खुशहाली मिले, अगर आप ये चाहते हैं तो बराबरी पार्टी पाकिस्तान में शामिल हों, इसको मजबूत करें ताकि हम सब मिलके इस निज़ाम को बेहतर बनाएँ, क्योंकि ये हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता।